हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों गणित का दोस्तों 5 नंबर चैप्टर दोस्तों अवकलन डिफरेंशिएशन के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों, जो कि पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से दोस्तों है। ठीक है दोस्तों, अगर इस टाइप का दोस्तों चीज सीख लेते हो दोस्तों, तो बिल्कुल एग्जाम में दोस्तों अवकलन से सारा क्वेश्चन दोस्तों बनाकर करके मेरा दोस्तों दावा दम पक्का करें दोस्तों। बिल्कुल दम आसान ही होता है दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन होता ही नहीं है डिफरेंशिएशन में। चलिए बेट दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का दोस्तों लिंक दिया गया, टेलीग्राम से जाकर के दोस्तों ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों डिफरेंशिएशन साइन एक्स का पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का पूछ रहा है दोस्तों। पहले भी मैं एक डिफरेंशिएशन का वीडियो दोस्तों फार्मूला बना चुका हूँ दोस्तों, वो भी दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया। पहले दोस्तों इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों तभी डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिएगा दोस्तों, फार्मूला वाला। ठीक है दोस्तों, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। चल दोस्तों, कहता है कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होगा। तो मैंने दोस्तों बताया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों कॉस एक्स होता है। देखिए दोस्तों, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मेरा क्या पूछ रहा है, तो मेरा दोस्तों साइन एक्स पूछा है। तो सिंपल है दोस्तों, सिंपल होगा दोस्तों, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक होता है दोस्तों। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए एक्स हो जाए दोस्तों। ठीक है, सेक स्क्वायर ए एक्स क्यों गए, तो दोस्तों यहाँ पर टेन एक्स टेन है दोस्तों। ठीक है, इसका एंगल ए एक्स है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ए एक्स ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ तो दोस्तों विस्तार समझिए। तो दोस्तों यहाँ पर टेन एक्स दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों डी लिखेंगे, यहाँ पर ए टैन लिखेंगे दोस्तों, टैन ए एक्स लिखेंगे, बता में दोस्तों डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर कॉन्स्टेंट मिला ए। ठीक है, तो ये दोस्तों बाहर चलाएगा, तो ये दोस्तों बाहर चलाएगा, तो टैन एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए सी सी सेक स्क्वायर ए एक्स हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेक स्क्वायर ए एक्स हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों नहीं समझ में दोस्तों, तो 10 सेकंड पीछे का समझ दोस्तों, बिल्कुल आसान चैप्टरों में से के दोस्तों, सभी लोग इसे हार्ड चैप्टर समझते, लेकिन दोस्तों वैसा नहीं है। चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंशिएशन सेक एक्स का पूछा दोस्तों। देखिए, 17 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, 20 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ध्यान रखिएगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। ठीक है, सेक एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है दोस्तों। ठीक है, किसका, तो दोस्तों यहाँ पर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 4 नंबर। देखिए यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है, कहा था दोस्तों डिफरेंशिएशन वाई बराबर दोस्तों साइन एक्स साइन लॉग एक्स दोस्तों दिया गया दोस्तों। तो पहले आपको दोस्तों फलन पकड़ना है, साइन दोस्तों किसका फलन है, तो दोस्तों लॉग एक्स का फलन है। क्यों दोस्तों, तो समझिए, पहले दोस्तों किसका करेंगे, तो साइन लॉग एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन दोस्तों। ठीक है, साइन लॉग एक्स के करेंगे दोस्तों। ठीक है, साइन लॉग एक्स का करेंगे डी बाई डी एक्स दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों क्या करोगे पता है आपको, इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, फिर लॉग एक्स का एक बार कर देना है। क्यों दोस्तों, तो दोस्तों फलनों का फलन साइन का लॉग एक्स होता है, यहाँ पर दोस्तों 1/x हो जाएंगे। ठीक है, इसका दोस्तों लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों 1/x होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों 1/x पहले लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले लिख देंगे 1/x। ठीक है दोस्तों, और साइन एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सभी लोग जो जानते हैं दोस्तों कॉस होता है। ठीक है, कॉस यहाँ पर दोस्तों एंगल का काम करें लॉग एक्स, इसलिए दोस्तों इसे लॉग एक्स लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आता, एक बार समझ लीजिए, साइन एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन कॉस होता है। ठीक है, ये दोस्तों ये एंगल है, ये एक्स का रूप काम कर रहा है दोस्तों। जैसे साइन एक्स होता है, तो यह मान लीजिए दोस्तों यह एक्स है पूरा। ठीक है, तो साइन का दोस्तों कॉस होंगे डिफरेंशिएशन, और कॉस लॉग का दोस्तों एक बार और होगा। क्यों, तो साइन का दोस्तों फलन लॉग एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, साइन का फलन लॉग एक्स हो रहा है, इसलिए दोस्तों लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन का था। देखिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक्स के पावर 5 का दोस्तों यहाँ पर डिफरेंशिएशन पूछा है। ठीक है, एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन पूछा है दोस्तों। तो मैंने दोस्तों बताया था एन एक्स एन माइनस वन दोस्तों एक फार्मूला बताया था दोस्तों। ठीक है, तो किसी के ऊपर
दोस्तों पावर रहेगा तो दोस्तों उसी में गुना हो जाएगा, ठीक है। फाइव एक्स का पावर फाइव माइनस वन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फाइव एक्स के पावर फोर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फिर एक बार दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, ये दोस्तों एक्स का दोस्तों पावर फाइव है वो गुना हो जाता है, ठीक है, नीचे में दोस्तों, ठीक है, बेस से, ठीक है। और उसमें दोस्तों पावर एक घाट जाता है, ठीक है। तो फाइव एक्स के पावर फोर प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। अगर समझ में नहीं आता दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, अंत तक वीडियो देखिए, बिल्कुल दोस्तों ये दोस्तों आपको समझ में आ जाएंगे। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिक्स नंबर है डिफ्रेंशिएशन दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का पूछा है। इसका भी मैंने दोस्तों बतला दिया था, ठीक है दोस्तों, कहा था कि एक पर एक फ्री है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब है कि साइन एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन वन बटे अंडर रूट ए वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाइन दोस्तों यहां पर माइनस लगा देंगे तो यह कॉस एक्स का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। यहां पर डिफरेंशिएशन दोस्तों वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर का आता है कि बाई बराबर दोस्तों साइन स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान समझिए बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स दिया गया दोस्तों, तो साइन स्क्वायर एक्स दिया गया दोस्तों, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया, ये वाला दोस्तों एंगल पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ देखिए दोस्तों साइन पर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया साइन स्क्वायर दिया गया दोस्तों, यहाँ पर साइन का स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो इसका दोस्तों होल स्क्वायर पूरा का कर सकते हैं दोस्तों, अगर ये ऐसा कर देगा दोस्तों तो वही फार्मूला दोस्तों यानी कि एन एक्स एन माइनस वन का फार्मूला आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उसी फार्मूले पर दोस्तों बदलाव बनाओगे तो साइन एक्स, ठीक है दोस्तों, साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि दोस्तों ये दो है जो आगे चलाएगा दोस्तों, क्या जाएगा आगे चलाएगा दोस्तों, यानी कि टू साइन एक्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों साइन एक्स और यहाँ पर दोस्तों टू साइन एक्स हो गए, यहाँ पर दोस्तों समझ गए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए साइन एक्स साइन स्क्वायर दोस्तों ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर दोस्तों, यह किसका फलन है तो साइन एक्स का फलन दोस्तों, किसका है साइन एक्स का फलन है। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ निकाला है कि टू साइन एक्स हो गए यहाँ पर दोस्तों, किसका डिफ्रेंशिएशन टू दोस्तों टू यहाँ पर साइन स्क्वायर का एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू साइन एक्स हो गए, और यहाँ पर दोस्तों साइन एक्स का हो जाएंगे कॉस एक्स, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका फार्मूला भी होता है टू साइन एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स का दोस्तों भी फार्मूला होता है टू, यहाँ पर दोस्तों टू साइन होता है, ठीक है टू साइन होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अगर टू साइन ए भी रहेगा दोस्तों, क्या टू साइन ए भी रहेगा वो भी दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसका फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर दोस्तों क्या होता है, तो सब लोग जानते हैं दोस्तों टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर दोस्तों टू साइन ए होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर एंगल को देखना है दोस्तों, एंगल बराबर नहीं है, इसलिए दोस्तों टू साइन ए टू कॉस बी का फार्मूला लागू नहीं होगा, यहाँ दोस्तों टू साइन ए नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एंगल को भी देख लेना दोस्तों, यह सेम एंगल है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों टू साइन ए नहीं होगा, इसलिए इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आठ नंबर दोस्तों, कि आठ का कहता है कि ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ई के एक्स के पावर ई का पावर दोस्तों एक्स डिफ्रेंशिएशन करो या अवकलन दोस्तों, ई के पावर एक्स ही प्राप्त होंगे, ठीक है। ई के पावर एक्स नहीं होता है दोस्तों डिफ्रेंशिएशन हो या दोस्तों समाकलन इंटीग्रेशन, कोई भी दोस्तों ई के पावर एक्स नहीं होता दोस्तों डिफ्रेंशिएशन, ई के पावर एक्स का समाकलन हो या अवकलन दोनों दोस्तों बात बराबर है। चलिए दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कॉस लॉग एक्स का पूछा है, तो ध्यान समझिए दोस्तों कॉस दोस्तों कॉस है, कॉस का फलन क्या लॉग एक्स, यहाँ तक दोस्तों समझ गए। तो कॉस का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है तो माइनस साइन एक्स होता है दोस्तों डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का। तो यहाँ पर दोस्तों मैं विस्तार से बता देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों डी बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर डी फिर लिखेंगे दोस्तों लॉग एक्स कॉस किसका दोस्तों अथी है फलन, तो लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर एक बार लॉग एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो मैं यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो लॉग एक्स लिख देता हूँ, लॉग एक्स तो लॉग एक्स का दोस्तों वन बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है। लॉग एक्स का दोस्तों क्या हो जाएगा वन बटे एक्स हो जाएगा, लेकिन दोस्तों कॉस एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा दोस्तों, तो साइन एक्स यानी कि दोस्तों लॉग एक्स के जगह पर क्या है दोस्तों, तो लॉग एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लॉग एक्स हो जाएंगे, लॉग एक्स हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सही आंसर कौन सा ऑप्शन में दोस्तों दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया गया, ठीक है दोस्तों। साइन माइनस में दिया गया, लॉग एक्स बाटा में दोस्तों एक्स दिया गया, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। ये फलन समझ देते दोस्तों बिल्कुल समझ में आ जाएंगे दोस्तों, कॉस किसका फलन है लॉग एक्स का फलन है, ठीक है। कॉस किसका फलन लॉग एक्स का, इसलिए दोस्तों कॉस का पहले करेंगे तो कॉस का डिफरेंस करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएंगे, लेकिन दोस्तों लॉग एक्स का करेंगे तो वन बटा एक्स आएंगे दोस्तों, जो कि वन बटा एक्स ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएंगे।
चल दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का था दोस्तों, यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन दो बार पूछ रहा है, तो एक बार दोस्तों करोगे इस फॉर्मूले पर एन एक्स के पावर एन माइनस वन, ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला पर करोगे तो 3x हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, और 3 में से पावर एक घट जाएंगे, यानी कि दोस्तों 3x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, 3x स्क्वायर हो जाएंगे दोस्तों, के बार डिफ्रेंशिएशन बोल रहा है दोस्तों, दो बार डिफ्रेंशिएशन बोल रहा है, इसलिए दोस्तों दो बार करेंगे, तो एक बार और करेंगे दोस्तों, 3 × 2 = 6x हो जाएंगे दोस्तों, 6x हो जाएंगे, ठीक है, और दोस्तों 2 − 1 हो जाएंगे, पावर घट जाएंगे, यानी कि दोस्तों 6x हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6x हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चल दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, कहता है दोस्तों d/dx साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो मैंने दोस्तों बताया था साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर दोस्तों π/2, लेकिन यहाँ पर दोस्तों डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, यानी कि दोस्तों कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ठीक है दोस्तों, इतना का मान दोस्तों π/2 होता है, वहाँ मैंने दोस्तों पुट अप कर दिया, ठीक है, इसका दोस्तों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ध्यान रखें दोस्तों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन दोस्तों 0 होता है, इसलिए इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, क्या तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दोस्तों, 100 मार्क्स का किएगा दोस्तों, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि दोस्तों इस साल का क्वेश्चन होता है दोस्तों, इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछे दोस्तों, ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का था कि y बराबर साइन, देखिए दोस्तों एंगल बराबर क्यू में, ठीक है, तो आप सभी लोग समझ ही होंगे, गए होंगे दोस्तों, साइन का दोस्तों फलन एक्स क्यू होगा, ठीक है दोस्तों, एक्स क्यू होगा दोस्तों साइन का फलन, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए बिल्कुल दोस्तों, बना दोगे तो साइन एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ, ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों कॉस एक्स लिख दिया, ठीक है, आप दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों एंगल है तो साइन का दोस्तों साइन का दोस्तों फलन कौन है, एक्स क्यू, यानी कि दोस्तों एक्स क्यू का भी हमें दोस्तों क्या करना होगा, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना होगा दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो दोस्तों एन एक्स एन माइनस वन का फॉर्मूला भिड़ा हो गया, ठीक है, तो इसका दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, बट 3x² आ जाएंगे, 3x² आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है, एक पावर घट जाएंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान समझिए 3x 3 − 1 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएंगे, साइन एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक्स का जगह दोस्तों यहाँ पर क्या तो एक्स क्यू है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक्स क्यू लिखेंगे, ठीक है, एक्स का दोस्तों काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक्स क्यू का क्या हो गया, तो 3x² हो गया था, ठीक है, तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, 3x² के पहले ले आते हैं, ठीक है, तो 3x² cos x³ हो जाएंगे दोस्तों, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, तो मैं यहाँ पर दोस्तों मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया है 12 का दोस्तों ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है, नहीं ऑप्शन ए में भी नहीं दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया गया है, 3x² cos x² हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों, देख सकते हो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि यदि y बराबर tan x² यहाँ पर भी दोस्तों समझिए एंगल में नहीं दिया गया, क्या एंगल में नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, स्क्वायर नहीं दिया गया, देख सकते हो दोस्तों tan स्क्वायर है, यानी कि दोस्तों tan x का स्क्वायर भी कर सकते हो, क्यों तो दोस्तों एंगल में नहीं दिया गया, इसीलिए एंगल क्या होता है दोस्तों, तो एंगल ये वाला होता है दोस्तों, अगर tan x² आता दोस्तों तो यह दोस्तों इसका डिफ्रेंशिएशन अलग होता, 2x² हो जाता, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्यों तो 2x हो जाएगा, तो दोस्तों या एन एक्स एन माइनस वन का फॉर्मूला पर बैठेगा, ठीक है, 2x² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, tan का स्क्वायर दिया गया है, तो दोस्तों tan का स्क्वायर दिया है तो 2tan a हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन के फॉर्मूला से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर x हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो बन गए, लेकिन दोस्तों tan स्क्वायर x का फलन दोस्तों tan x होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर sec स्क्वायर भी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगे, sec स्क्वायर x भी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, 2tan x sec स्क्वायर x, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों, देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, एकदम वीडियो को दोस्तों पूरे दम धैर्य से देखता है, देखना दोस्तों पेशेंस बनाए रखना है, तभी दोस्तों समझ में आए दोस्तों, ये आसान चैप्टर दोस्तों, इसे हार्ड चैप्टर नहीं समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान चैप्टर दोस्तों, बढ़ सकते दोस्तों आप मेरे चैनल पर हमेशा दोस्तों पढ़े, बिल्कुल आपको डिफ्रेंशिएशन दोस्तों एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है दोस्तों कि dx दोस्तों log x का, तो log x का दोस्तों मैंने बताया था पिछले वीडियो दोस्तों, log x का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, क्या 1/x होता है दोस्तों log x का डिफरेंशिएशन, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, क्या तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चल दोस्तों 15 नंबर भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमको फलनों का फलन यानी कि फंक्शन और फंक्शन को पकड़ना है दोस्तों, तो √tan x दोस्तों किसका फलन है,
जो tan x, दोस्तों tan x का फलन है, ठीक है, किसका फलन है दोस्तों, tan x का फलन है, ठीक है दोस्तों, किसका, tan x का फलन है। इसलिए दोस्तों पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट tan x का करेंगे, और दोस्तों फिर tan x का करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर रूट tan x, यानी कि दोस्तों यहां पर दोस्तों एक फार्मूला मैंने बताया था, रूट x का फार्मूला, ठीक है दोस्तों। इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, डिफरेंशिएशन दोस्तों रूट x का दोस्तों 1/2√x होता है, ठीक है, 2√x होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों रूट x, यानी कि दोस्तों इसका x पूरा का मान लोगे तो दोस्तों इसका क्या फार्मूला होता है, 2√x होता है दोस्तों, ठीक है। उसी फार्मूले पर बतलाना है दोस्तों, x के जगह tan x आया तो यहां पर दोस्तों मटा के यहां पर tan x कर देंगे, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बात को समझ रहे होंगे। और दोस्तों tan x, यानी कि दोस्तों √tan x किसका दोस्तों फलन है, तो tan x का मैंने बतलाया है। तो दोस्तों यहां पर पहले लिखेंगे 1/2√ tan x, tan x दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर दोस्तों tan x का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि दोस्तों sec स्क्वायर x हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो sec स्क्वायर बटा 2√ tan x हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नहीं समझ में आया दोस्तों तो फिर से समझाते हैं दोस्तों। tan x दोस्तों किसका कर रहा है, तो tan x दोस्तों डिफरेंशिएशन पर समझिए, यहां पर जो tan √ x किसका फलन है, तो tan x का फलन है, ठीक है। तो दोस्तों tan x का एक फार्मूला होता है 1/2√ tan x होता है, ठीक है दोस्तों, यहां पर तो समझ गए। और tan x का दोस्तों sec स्क्वायर दोस्तों डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए दोस्तों इसका दोस्तों गुणा करोगे तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। समझने की कोशिश करोगे दोस्तों, दुनिया के कोई भी चीज दोस्तों हो आप बिल्कुल समझ सकते हो दोस्तों, कोई भी दोस्तों कार्य मुश्किल नहीं होता दोस्तों, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन का था, 16 नंबर कि tan x का दोस्तों डिफरेंशिएशन पूछ रहा, तो tan x का दोस्तों डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है दोस्तों, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर का था, देखिए दोस्तों यहां पर मैं ट्रिक एक दूंगा, ये दोस्तों यहां से आपका बिल्कुल एक नंबर कंप्लीट होने जाएगा, एक से दो नंबर दोस्तों, ठीक है। यहां पर दोस्तों दो क्वेश्चन ऐसे आने तो दो नंबर हम बिल्कुल कंप्लीट कर लोगे दोस्तों, अगर यहां पर ध्यान दोगे तो, ठीक है दोस्तों। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, बस आता दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, ई के पावर दोस्तों क्या दिया हुआ है, cos x दिया गया, कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको बस दिमाग लगाना है। तो cos x दिया गया है e के पावर में, तो दोस्तों ये cos x दिया गया है, क्या e के पावर में cos x दिया गया है, क्या फिर से समझिए, फिर से समझ में नहीं आया, e के पावर cos x दिया गया है, ठीक है, cos x दिया गया है पावर में, कुछ नहीं करना दोस्तों, नीचे पटकना, क्या करना है, नीचे पटकना है, समझ रहे हैं, यहाँ पर लाना है, ठीक है, यहाँ पर लाना है। तो लाओगे दोस्तों यहाँ पर आप नीचे लाओगे तो cos x का डिफरेंशिएशन करते हुए लाओगे, तो cos x का दोस्तों डिफरेंशिएशन sin x होता है, क्या होता है दोस्तों डिफरेंशिएशन cos x का, तो sin x होता है दोस्तों, ठीक है, sin x होता है दोस्तों डिफरेंशिएशन, क्या तो माइनस में कि प्लस में, माइनस में होता है दोस्तों कि प्लस में होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों माइनस में होता है, क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन दोस्तों माइनस में sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर दोस्तों माइनस sin x मैंने लिख दिया, ठीक है दोस्तों, फिर ज्यों का त्यों लिख देना दोस्तों, यानी कि cos x के पावर ज्यों का त्यों लिख दिया, मैंने क्या परिवर्तन किया, कुछ नहीं परिवर्तन किया, सिर्फ और सिर्फ एक परिवर्तन किया, क्या किया दोस्तों, ऊपर वाला दोस्तों cos x है नीचे पटक दिया, ठीक है, नीचे पटक दिया, कहने का मतलब दोस्तों cos x का डिफरेंशिएशन करके नीचे ले आया, तो माइनस sin x हो गए, e के पावर cos x हो गए दोस्तों, ठीक है, cos x के पावर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट जवाब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे दोस्तों। चल दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। चल दोस्तों यहां पर भी आपका दो नंबर कंप्लीट होने जा रहा है, देख रहे हो दोस्तों इस बार का क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों 2022-21 का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, इससे दोस्तों इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आया, ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आया दोस्तों बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, साइन फोर एक्स का डिफरेंशिएशन करना दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं डिफरेंशिएशन करके भी दिखला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आपको बस एकदम शांत दिमाग से देखना है, ठीक है दोस्तों। फोर एक्स तो माइनस दोस्तों पिछले वीडियो में बतलाया था डिफरेंशिएशन के, ठीक है, कॉन्स्टेंट होता है वो बाहर चला आता है, यहाँ पर दोस्तों फोर कांस्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो तो कांस्टेंट पका सकते हो दोस्तों यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तुलना करके, एक है तो एक है, एक है तो एक है, ठीक है दोस्तों, एक है तो एक है, समझ गए। तो यहाँ पर दोस्तों कांस्टेंट है फोर है तो फोर को बहाल कर दिए, और साइन एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो दोस्तों फोर पहले आ गए हैं, ठीक है दोस्तों, फोर पहले आ गए, क्यों, तो कांस्टेंट है, इसीलिए दोस्तों फोर पहले लिख दिए, और दोस्तों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर x का काम कर रहा है 4x, तो यहाँ पर दोस्तों 4x लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करके बताइए दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों ये समझ गए तो बिल्कुल दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आप दो नंबर कंप्लीट कर लिए, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है,
कौन सा ऑप्शन में दोस्तों दिया गया था, यहाँ पर दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों, धमाल मचा सकते हो आंसर लाकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों बिल्कुल आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ दोस्तों तो एक आध दो 20 सेकंड दोस्तों पीछे कीजिए, बिल्कुल दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। चलता तो 19 नंबर क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता है दोस्तों रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछा दोस्तों, तो मैंने बताया था टू अंडर रूट एक्स दोस्तों इसका डिफ्रेंशिएशन कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चल दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी हमने आपको बताया था कितना दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, नहीं 18 नहीं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सेम उसी तरह का क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दोस्तों आप डाउट को दोस्तों डाउट आपको लग रहा था 17 नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ पर दोस्तों डाउट को आप खत्म कर सकते हो दोस्तों। ई के पावर 3 देगा, मैंने बोला था दोस्तों ई के पावर जो पावर दिया जाएगा उसको पलट देना है, पास दोस्तों करना क्या है तो डिफ्रेंशिएशन करना है, पर नीचे तो दोस्तों पट्टा कर दिए लेकिन उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसे दोस्तों कपड़ा पहनाएंगे एकदम बढ़िया बढ़िया नया नया, ठीक है दोस्तों। तो 3x² यानी कि दोस्तों यहाँ इनका इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए, ठीक है। इसका दोस्तों राइट आंसर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 3x के पावर, सॉरी दोस्तों 3 को लाना है, सिर्फ सीरी को 3 को लाना है दोस्तों, 3x को नहीं लाना है, क्यों दोस्तों 3 को नहीं लाना है, यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया था। ई के पावर दोस्तों क्या दिया गया, ई के पावर 3x दोस्तों दिया, कॉन्स्टेंट को लाना है, कॉन्स्टेंट को लाना है दोस्तों, इसलिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा दोस्तों, 3x नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर कॉन्स्टेंट को पटकना है, ठीक है, कॉन्स्टेंट को पटा के देना है, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों दोस्तों कॉन्स्टेंट को पटक देना होता है, तो 3e^3x हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, एकदम बिल्कुल दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों कॉट एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन पूछा, तो कॉट एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स होते हैं दोस्तों, किसका डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का दोस्तों, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है दोस्तों, इसीलिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y बराबर दोस्तों दिया गया है, y बराबर देखिए दोस्तों एंगल में भी दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों एंगल में दिया गया है, तो 2x काट दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं दोस्तों, डायरेक्ट कीजिए 2x काट दीजिए दोस्तों, और साइन एक्स का दोस्तों क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है दोस्तों, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है दोस्तों, 2 cos x, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर एक्स का काम कर रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स का काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन में दिया गया देख सकते हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है दोस्तों, डी में दिया गया है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान से बताएंगे और 2x हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, एंगल वाला, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएंगे, कॉस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स का दोस्तों पूछा, तो टैन इनवर्स एक्स का दोस्तों मैंने डिफ्रेंशिएशन बताया था 1/1 + x² दोस्तों, वही कॉट एक्स का पूछा था तो मैंने माइनस लगाने के लिए कहा था दोस्तों, ठीक है, तो माइनस लगाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, इस चैनल पर हमको और से जल्दी तैयार करें दोस्तों, अगर इसका PDF लेना चाहते हो दोस्तों टेलीग्राम में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से दोस्तों टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम।